नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से शुभम गुप्ता न्यूज टीवी के नए फेस और कमाल के जागरूकता के एपिसोड में। आइए देखिए, हम यहां देखते हैं प्लास्टिक कितना घातक है हमारे लिए, उसके बाद भी लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ आने का मतलब है केवल प्लास्टिक के लिए जागरूकता बनाना, प्लास्टिक यूज न करें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जिस दिन हमारे घरों में अब प्लास्टिक चला जाता है, स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि प्लास्टिक बिल्कुल उपयोग न करें। आइए हम यहाँ मिलते हैं। हाँ बाबू, क्या नाम है? झोला लेकर आए हो, धन्यवाद। ऐसे ही झोला लेकर आया करो, प्लास्टिक प्लास्टिक एकदम प्लास्टिक घर में जाएगा, प्लास्टिक से बहुत बहुत बीमारियाँ फैल रही है। देखिए हम मंडियों में आ गए हैं, यहाँ प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं। क्या दादा, क्या भैया प्लास्टिक, क्या नाम है आपका, क्या सुना है? ललितेज कुमार। क्या प्लास्टिक में सामान देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक में सामान एकदम नहीं देना है। जो घर से आ रहे हैं उनको कहिए कपड़े का थैला लेकर आइए। आए आगे बढ़े हम। और क्या नाम है आपका? प्लास्टिक प्लास्टिक घर से थैला क्यों नहीं लेकर आए? अरे यार, हम घर से थैला लेकर आए, नहीं ला रहे जो है, हम प्लास्टिक बहुत घातक है। आइए क्या भाई, प्लास्टिक घर से भैया थैला लेकर आइए, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, थैला लेके घर के। क्या दादा, प्लास्टिक में सामान कौन दे रहा है? आप नहीं दे रहा है ना? बिल्कुल नहीं, आप थैला लेकर आइए। अरे यार भैया, हम कहीं से और प्लास्टिक का थैला, कहीं से भी हो प्लास्टिक का थैला आपके लिए बढ़िया। प्लास्टिक से कैंसर के जैसे बहुत घातक बीमारियाँ फैल रही है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या धन्यवाद छोटू, क्या नाम है? निखिल। हेलो निखिल, तुम झोला थैला लेकर आए हो, ऐसे ही बने रहो, थैला लेकर आओ। क्या भैया, थैला में बिल्कुल सामान आप इनके पास है? बिल्कुल, क्या पन्नी में सामान देते हैं? नहीं, प्लास्टिक में सामान बिल्कुल नहीं देना है, पन्नी में आपसे नहीं देना है आपको। चलिए चलिए देखिए, यहाँ हम आ गए, हम यहाँ आ गए इस मंडी में। ग्राम कौन सा है? ग्राम अगासन, जनपद बाराबंकी में। हमने लोगों से बताया कि प्लास्टिक को यूज नहीं करना है। देखते हैं हमारी जागरूकता को, हमारे अवेयरनेस को फैलाने के लिए कितने लोग हमारी बातों को ध्यान में देते हैं। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या भैया, शुभ नाम आपका? जगदीश। जगदीश, क्या प्लास्टिक उपयोग करते हैं? जी नहीं। जी बिल्कुल प्लास्टिक उपयोग नहीं करना है। चलिए और लोगों से देखते हैं, क्या नाम है आपका? सानू राजा। सानू राजा, प्लास्टिक उपयोग नहीं करते ना? नहीं, बिल्कुल प्लास्टिक घरों में नहीं जाना चाहिए। आइए इधर हम दिखाते हैं कुछ लोगों को। क्या प्लास्टिक में सामान, क्या नाम है आपका? सतीश जी, प्लास्टिक में सामान देते हैं? प्लास्टिक का वह मारे थे धारा। नहीं, प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं, जब से एक झोला रख लीजिए, झोला में दीजिए सामान। पढ़ो बच्चे, चलो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दादा प्लास्टिक में बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक उपयोग नहीं करिए। क्या नाम है आपका? राम नारायण। राम नारायण दादाजी, आप प्लास्टिक उपयोग मत करिए, लोगों से बताइए। सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, और थोड़ा दूर से करिए, सामने जाइए, आगे जाइए। क्या कह रहे हैं आप? पन्नी जब मिलता ही नहीं तो पन्नी देवे का, झोला खुद लावे अपने। हाँ, झोला खुद लेकर आए। क्या नाम आपने बताया? राम नारायण। राम नारायण दादाजी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि झोला खुद लेकर के आए अपना घर से, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। हाँ भाई, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? हम बता रहे, पहले कंपनी पर बांड लगाइए, पन्नी ना बनाए तो कतई मार्केट में पन्नी आ नहीं सकती है। क्या नाम है आप? रंजीत मौर्य आगासन। चलिए रंजीत मौर्य आगासन, यहाँ सब्जी की दुकान लगाते हैं, इनका कहना है कि पहले कंपनी बंद हो। चलिए हमें लगता है आप लोग जागरूकता दिखाएंगे तो शायद ही कंपनियां बंद हो जाएं। चलिए चलिए, क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है दादा? राम शरण। राम शरण, धन्यवाद दादाजी, आपने झोला तो लेकर के आए हैं, लेकिन देखिए इसमें भी आपने पन्नियां डाल ली है, क्या फायदा हुआ? फायदा झोला तो लेकर के आए हैं आप, लेकिन सब ये एक में गबड़ जाएगा ना, एक में गबड़ जाएगा। गबड़ जाएगा वो ठीक है, घर में जाके आप अलग कर लीजिए, गबड़ जाएगा सही है, लेकिन जिस दिन प्लास्टिक में है ज्यादा टाइम तक रह गया तो प्लास्टिक से बहुत कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। चलो बाबू अलग आ जाओ। और धन्यवाद भैया, आप झोला लेकर आए हैं, थैला लिए हैं? थैला लिए। ठीक, आगे जाइए, आगे जाइए, आगे से लीजिए, थोड़ा नहीं आ रहा है। क्या नाम है दादा आपका? करण। प्लास्टिक में सामान नहीं देते ना? ना, बिल्कुल प्लास्टिक में सामान नहीं देना है एकदम। क्या नाम है आपका? जानकी प्रसाद। पहले तो आप गुटखा बंद करिए, गुटखा बंद करिए, प्लास्टिक से घातक गुटखा भी है, प्लास्टिक की तरह घातक गुटखा भी है। गुटखा कब बंद कर रहे हैं? पहले बंद करवाइए। चलिए ठीक है, ये बात रख चुके हैं हम आपकी।
आ जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आप थैला लेकर के आई हैं? बढ़िया है, थैला लेकर के ही आइए। अरे मैं चप्पल हाँ धरे। हाँ ठीक, थैला सामान के लिए थैला लेकर आइए, अब आगे आइए। क्या नाम है दादाजी? क्या नाम है? कहाँ है नाम? नाम आपका, शुभ नाम आपका क्या होगा? शुभ नाम हमारा। अच्छा, प्लास्टिक उपयोग नहीं करते ना? प्लास्टिक? हाँ, लोगों से आप बताइए कि प्लास्टिक बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। चलिए धन्यवाद। अच्छा चलिए, यहीं पर हम हैं। क्या नाम था गांव का? अगासन गांव, ग्राम सभा अगासन, जिला बाराबंकी में है। लोगों से हमने बताया कि प्लास्टिक उपयोग नहीं करना है, लोगों ने इस बात को बहुत गहराई से लिया और वो जानते हैं। अगर आप लोगों के आसपास प्लास्टिक मिलता है तो क्या करते हैं? देखिए, प्लास्टिक आप लोगों के गांव के आसपास मिले, उसको प्लास्टिक को जलाइए नहीं, बिल्कुल प्लास्टिक को जलाना नहीं है, उसको जलाइए भी नहीं, उसको प्रशासन की मदद से उसका निपटारा करवाइए। एक जगह आप लोग प्लास्टिक एकत्रित करके प्रशासन को बुलाइए, वहां से आपके ग्राम प्रधान के जरिए वहां के प्लास्टिक पूरा ले जाएंगे। प्लास्टिक को जलाने से भी बहुत उसमें घातक जहरीली गैसें निकलती हैं।